हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये संडे का व्लॉग है, तो संडे को कपड़े वगैरह काफ़ी इकट्ठे हो रखे थे। ड्रेस भी थी उसके स्कूल की बच्चे की, और घर के भी बहुत सारे कपड़े हो गए थे मेरे। तो एक दिन दो छोड़ के धोती हूँ मैं। वैसे संडे को कम ही कपड़े धोती हूँ, पर मौसम सही नहीं था इसलिए शनिवार को धो देती हूँ। नहीं तो मैं छुट्टी वाले दिन नहीं धोती कपड़े, ज़्यादातर पहले ही धो लेती हूँ, क्योंकि छुट्टी वाले दिन फिर सही नहीं रहता, कपड़ों में बहुत टाइम लग जाता है, फिर बाकी भी बहुत सारे काम होते हैं और बाहर भी जाना होता है, इसीलिए मैं कपड़े वपड़े का काम पहले ही कर लेती हूँ। पर मौसम सर थोड़ा ठीक नहीं था शनिवार को, तो मैंने आज फिर संडे को कपड़े धोए थे। ये संडे का व्लॉग है मेरा, ये मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ। काफ़ी सारे कपड़े हो रहे थे, अभी भी मौसम देखिए, सुबह मैं कपड़े डालने आई हूँ तो कैसा हो रहा है, बादल बादल हैं, कभी ऐसे ही हो रहा है मौसम। पर वही है कि कपड़े तो धोने ही हैं, कपड़े तो इतने हो जाते हैं ना, एक दिन छोड़ के मैं धोती हूँ कपड़े, पर बहुत सारे हो जाते हैं कपड़े। और आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है ना, काम करना तो आफत है, कपड़े वपड़े धोना बाहर बहुत बुरा हाल हो जाता है, पसीने से ही नहा जाते हैं। या तो थोड़ी देर में किचन का काम हो या बाहर का काम हो ना, बहुत मुश्किल हो रहा है निपटाना, हालत ख़राब है। बारिश थोड़ी सी आती है और फिर बंद हो जाती है, तो मौसम इतना ख़राब, चिप चिप उमस भरा हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो रहा है। अच्छी सी बारिश हो जाए तो थोड़ा ठंडा हो जाए, थोड़ी थोड़ी बारिश होती है इसकी वजह से और गर्मी हो जाती है, जब धूप निकल जाती है थोड़ी, तो यहाँ इतनी गर्मी से बुरा हाल हो रखा है। तो मैं छत पे डालने आई थी कपड़े कि चलो धूप निकली ना निकली, हवा तो लग जाएगी थोड़ी कपड़ों को, पर धूप निकल आई थी थोड़ी देर बाद हल्की हल्की, कभी धूप आ रही थी कभी बादल आ रहे थे, पर मैंने जब कपड़े डाले थे तो आ गई थी धूप, अच्छी निकल आई थी धूप बाद में, तो कपड़ों को अच्छे से धूप लग गई। तो मैं छत पे डाल देती हूँ, नीचे नहीं सुखाती हूँ, अगर रात को कपड़े धोती हूँ तो नीचे डाल देती हूँ मैं रेलिंग पे, बट अगर दिन में सुबह मैं ज़्यादातर सुबह ही धोती हूँ कपड़े तो छत पे डाल देती हूँ, क्योंकि धूप लगना भी ज़रूरी होता है कपड़ों में। और आजकल तो ये बरसाती मौसम है, इतना ज़्यादा जम्स वाला मौसम हो रखा है ना, कि वैसे भी कपड़ों को धूप लगानी ज़रूर चाहिए, बट अगर रात में धोती हूँ तो नीचे डाल देती हूँ, फिर बाद में जब धूप निकलती है तो छत पे डाल देती हूँ, और सुबह धोती हूँ तो छत पे डाल देती हूँ फिर डायरेक्ट ही। तो यहाँ सारे कपड़ों पे मैंने डालने के बाद लगा दिए चिमटी, क्योंकि क्लिप वगैरह लगा देते हैं तो गिरते नहीं, नहीं तो गंदे हो जाते हैं गिर के, तो थोड़ी थोड़ी हवा कप चल पड़ती है फिर गिर जाते हैं नीचे। तो यहाँ कपड़े वगैरह डालने के बाद मैं गई थी नीचे, नहा धो के घर की सारी साफ़ सफाई कर ली नहा ली मैं, और उसके बाद यहाँ पे मेरा नाश्ता वगैरह हो गया सबका, तो यहाँ किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ, सारी किचन वगैरह क्लीन करके आज मंदिर जाना था। आज संडे का दिन है, आपको बताया ही था मैंने कि हर संडे मैं ज़्यादातर मंदिर जाती हूँ, जो बड़े घर के आसपास तो जाती रहती हूँ, पर जो बड़े मंदिर हैं वो संडे को ही जाती हूँ। तो आज मेरा इस्कॉन मंदिर जाने का बहुत मन कर रहा था, और मैंने बोला भी हुआ था, क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत सही नहीं थी पीछे दिनों में, तो उसके टेस्ट वगैरह भी कराए थे, तो मन बहुत घबरा गया था, तो मैंने मन्नत भी करी थी कि मैं इस्कॉन मंदिर जाऊंगी, भगवान वो ठीक हो, उसकी सारी रिपोर्ट्स ठीक हों, तो ईश्वर की कृपा से वो ठीक है और उसकी सारी रिपोर्ट्स भी बिल्कुल ठीक आई हैं। बस वैसे ही उसको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, वो हमेशा गर्मी से बीमार पड़ता है, उसको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, उसे सर्दी में भी गर्मी लगती है कि वो बिल्कुल ना रज़ाई कंबल कुछ नहीं लेता, उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है शुरू से ही, जब से वो हुआ है गर्मी बहुत लगती है उसे, तो गर्मी के दिनों में तो उसका और भी बुरा हाल होता है, तो इसीलिए वो बार बार बीमार पड़ जाता है। और एक्टिविटी भी नहीं है ना इतनी, बच्चों के साथ खेलता है बच्चा तो खुश रहता है, मैं उसके साथ कोशिश करती हूँ घर के कामों से फ्री होकर उसके साथ टाइम बिताने की, बट ये होता है ना इतना नहीं हो पाता, बच्चे बच्चों में ज़्यादा खुश रहते हैं, और यहाँ मेरी फैमिली में भी कोई बच्चे बच्चे नहीं है, और यहाँ आस पड़ोस में भी नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा अकेला फील करता है वो। कहते हैं ना बच्चों का खुश रहना और एक्टिव रहना ज़रूरी है, इससे वो ठीक रहते हैं, खुश रहते हैं, तो बच्चे का खाया पिया भी उसे लगता है और वो बीमार भी इतना नहीं पड़ते हैं, और इसकी इम्यूनिटी भी बहुत कम है, कमज़ोर है, अकेला है, तो इसलिए खाना भी नहीं खाता ढंग से, परेशान रहता है, तो यहाँ मुझे उसकी भी बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। तो यहाँ रसोई के सारे काम और घर के सारे काम निपटा के शाम को मैं गई थी इस्कॉन मंदिर, ये कैलाश कॉलोनी में है, साउथ दिल्ली में है इस्कॉन मंदिर, बहुत ही बड़ा राधे कृष्ण भगवान का बहुत बड़ा मंदिर और बहुत सुंदर मंदिर है, इतने सुंदर भजन कीर्तन सुनते हैं ना मन को बहुत शांति मिलती है। तो यहाँ पे सारे बर्तन क्लीन करने के बाद मैं हमेशा फिर रसोई के जो हमारे मंदिर के बर्तन होते हैं वो धोती हूँ, तो यहाँ कान्हा जी के सारे बर्तन धोऊँगी मैं, घर की रसोई वगैरह तो साफ़ हो गई, बर्तन धुल गए थे, रसोई साफ़ हो जाती है उसके बाद ही करती हूँ मैं, कान्हा जी के जितने कपड़े हैं वो धोती हूँ और जो जितने बर्तन होते हैं वो, तो यहाँ कान्हा जी के सारे बर्तन वगैरह धो दिए हैं, अब उनके कपड़े धोने रह गए हैं, कपड़े भी धो के डाल दूँगी। तो इसी तरह से एक दो तीन दिन
कभी 2 दिन कभी 1 दिन मैं धोती रहती हूँ। मैं यहाँ सारे काम से फ्री होकर मैं आ गई थी इस्कॉन मंदिर, मेरे साथ दर्शन कीजिए, देखिए कितने सुंदर भगवान लग रहे हैं। काफ़ी दिन मैं आई हूँ, मैं आती रहती हूँ पर थोड़े दिन हो गए थे, याद नहीं मुझे, शायद 1 महीना या थोड़े दिन हो गए हैं जब से आई नहीं मैं मंदिर। बहुत ही प्यारा बहुत ही सुंदर मंदिर है। संडे को तो बहुत भीड़ होती है, अच्छा भी लगता है, इतना सत्संग कीर्तन होता रहता है ना, पवित्र वातावरण होता है, मन को बहुत अच्छा लगता है। हरे राम हरे कृष्णा का यहाँ पे हमेशा संकीर्तन होता रहता है, वो बहुत सुनने में आनंद आता है। सब लोग एक साथ बैठ के प्रभु का नाम जपते हैं, उनका भजन सुनते हैं, उनकी आरती सुनते हैं, तो मन को बहुत अच्छा लगता है। मंदिर जब भी जाते हैं ना, सब कुछ ही भूल जाते हैं, लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, टेंशन देखिए सबकी लाइफ में होती ही है। तो प्रभु इतने प्यारे और इतने सुंदर हैं ना कि इनके दर्शन करते हैं ना सब कुछ भूल जाते हैं। मैं तो यही कहती हूँ जिनके दर्शन करना चाहिए, जिन्हें भी मानते हैं वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। कान्हा जी को भी आज मैं लेकर आई थी, कान्हा और राधिका, राधा बाबा जी का देखिए दर्शन कर रहे हैं भगवान, तो आज मैं लेकर आई थी। मुझे काफ़ी दिन से मैंने नहीं घुमाया था, जब से मथुरा गई थी तब लेकर गई थी, तिनाली के यहाँ गए थे तब, काफ़ी टाइम हो गया, मैंने 1 महीना से ऊपर ही हो गया, उनको कहीं भी नहीं लेकर गई, थोड़ा घुमाना चाहिए। गर्मी बहुत पड़ रही है, इसलिए कहीं लेकर नहीं जाती, बहुत बुरा हाल है, हाँ इतनी उम्र है, इतनी गर्मी है, मैं इसलिए मैं लेकर नहीं जाती। पर आज थोड़ा सा मौसम ठीक लग रहा था, अभी रहने का सोचा थोड़ा सा इनको मंदिर लेके जाती हूँ घुमाना, ये बच्चे मेरे इनको भी जैसे सबके लिए सोचना है, इनके लिए भी सोचना है, थोड़ा सा कहते हैं इनको भी घुमाना चाहिए, तो मैं कभी कभी इनको इसलिए बाहर ले आती हूँ थोड़ा सा घुमाने के लिए। यहाँ पे ये भी भजन कीर्तन सुन रहे हैं मंदिर में, अपने भक्तों का देख रहे हैं कैसे लोग लगे हुए हैं, कितने आनंद में लोग यहाँ पे कीर्तन भजन करते हैं सुनते हैं, मन को बहुत अच्छा लगता है। देखते भी होना भी चाहिए, आजकल लोग इतने बिजी हो गए हैं तो मैं कहाँ निकलता है, बट कभी कभी लोग ऐसे समय निकालते हैं तो अच्छा लगता है कान्हा जी के इतने भक्त हैं यहाँ पर, इतना अच्छा लगता है लोग ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं लोग, यंग लोग अपने यंग उम्र से ही कहते हैं ना भगवान को हमेशा ताजा चलाना चाहिए, ये अच्छा लगता है देख कर कि इतने यंगस्टर शुरू से ही जुड़ रहे हैं। नहीं तो कई लोग सोच होती है कि अभी क्या भजन कीर्तन करना, बुढ़ापा नहीं कर रहे हैं, बुढ़ापा नहीं कर रहा है भजन कर रहे हैं, और जितना शुरू से ही भगवान से जुड़ रहे हैं उतना ही अच्छा होने को इतना समय चाहिए कि भगवान का भी इतना समय शुरू से ही सही सब समझ आ रही है कि शुरू से ही जुड़ना चाहिए, इसलिए मैं अपने बच्चों को शुरू से बचपन से ही भगवान से जोड़ने की कोशिश करती हूँ, ये अच्छा लग रहा है। जो हैबिट हम शुरू से लगा लेते हैं फिर वही रहती है, तो ईश्वर की भक्ति उनका नाम जो जीवन उन्होंने दिया है, सिर्फ हमें कुछ सुविधाओं के लिए ही दिया, जो खाओ पियो सो जाओ या कमाओ, ईश्वर का नाम लेने के लिए भी दिया, क्योंकि यही एक ऐसी जीवन है जिसमें ईश्वर का नाम ले सकते हैं, अपना जीवन सुधार सकते हैं। शायद इतनी कौन सी भक्ति कौन सा नाम इतने दूर से निकल गया तो नहीं पता कि आने जाने का चक्कर ही चल गया, इसीलिए कोशिश करते रहना चाहिए, नाम लेता रहना चाहिए, मन में शांति रहती है, पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी पर इतना ध्यान नहीं जाती, नेगेटिविटी आती है सबकी लाइफ में, आती है प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में, बट अगर ईश्वर से ना जुड़े ना तो नेगेटिविटी पर ज़्यादा ध्यान जाता है, और अगर ईश्वर से जुड़ जाएँ तो वो नेगेटिविटी पर नहीं फिर पॉजिटिविटी पर ज़्यादा ध्यान जाता है, फिर लाइफ में क्या अच्छा है। देखिए नर्सिंग अवतार में ईश्वर नर्सिंग अवतार में दर्शन कर लीजिए भगवान के, इतना सुंदर सुंदर सजाए उसने भगवान का, इतना प्यारा श्रृंगार किया उसने, बहुत अच्छा लगता है देख देख कर उनको, मन में बहुत शांति आती है। मेरा बेटा भी यहाँ पे खुश था, मंदिर में आके घूम रहा था, वो भी लोगों को देखते क्योंकि यहाँ पे लोग भी इतने अच्छे से घूम के रहते हैं तो लगा हुआ है वो भी, मैं यहाँ थोड़ी देर बैठ गई थी कान्हा जी को लेकर, मेरे पास कान्हा जी हैं, लोग चारों तरफ इस्कॉन मंदिर में तो बहुत देखने को मिलता है कि लोग ऐसे मस्त होते हैं ईश्वर की भक्ति में, यहाँ मेरा बेटा भी लगा हुआ है दशा लगे हुए हैं ईश्वर का नाम लेने का। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, राधे राधे दोस्तों।